हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक कंपनी ओपन करेंगे, उससे भी पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे। ये देखिए टैली प्राइम ओपन हो रहा है और इसमें कोई भी एक कंपनी चूज करके उसमें एंट्री पास करेंगे। किस में एंट्री पास करेंगे, परचेज में तो ऑलरेडी हुआ पड़ा रहा होगा, लेकिन सेल्स में फिर एंट्री पास करेंगे और फिर हम उसका पेमेंट जो है रिसीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। अब ये अंकुर स्टोर नाम की कंपनी है, अब चलते हैं सीधा सेल्स वाउचर में। और सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना है, आप कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी सवाल इस रेफरेंस नंबर का नहीं है। तो यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाउचर नंबर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे फिर रेफरेंस नंबर जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का नाम। ठीक है, तो डेटर पार्टी हमारी क्या है, ये यहाँ पे एक नई डेटर पार्टी बनाते हैं अविनाश, और पहचान के लिए मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ ताकि ये सिंबल है कि डी से पता चलेगा कि ये डेटर पार्टी है। ठीक है, और यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप चूज करेंगे, तो ये सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज करेंगे, तो सन्ड्री डेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सेलेक्ट करके और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इन सबको यस रखिएगा, आगे बढ़िएगा, एंटर एंटर करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, इस वाले विंडो को भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ पर पर्टिकुलर आ रहा है, तो यहाँ से हमें चेंज करना होगा मोड। तो यहाँ चेंज मोड पे जाके और आइटम इनवॉइस करना होगा इसको, तो ये आइटम इनवॉइस कर दिया। अब बाकी सारी चीजें तो ठीक है, फिर वापस से एंटर एंटर करते हुए आएंगे और यहाँ सेल्स का लेजर लगा लेंगे। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो जो भी स्टॉक आइटम हमारे पास मौजूद होगा, जैसे 5 किलो चीनी है तो हम 3 किलो इसको सेल करेंगे। ठीक है, और ये भी है कि किस गोडाउन से है, तो यहाँ पे साकेत नगर गोडाउन में हमारे पास 3 किलो चीनी हम यहीं से सेल करेंगे, तो ये सेल कर रहे हैं। यहाँ पर रेट अपने आप आ गया है, देख सकते हैं, ये मैंने पहले से सेट कर रखा है। ठीक है, अब ये 3 किलो चीनी जो सेल हो रही है इसको हम एंटर एंटर और यहाँ पे नरेशन वगैरह डाल लीजिएगा। जैसे नरेशन में क्या डालते हैं, शुगर हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो हो रहा है वही चीज मेंशन कर देनी होती है इसमें, और ये मेंशन करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो एक चीज इसमें देखने में आती है कि हम रिसीविंग करते हैं। मान लीजिए आपने सामान बेच दिया तो पैसा रिसीव करेंगे, तो F6 करके रिसीविंग जब करते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, एंटर करते हैं, ये किया, इस कंडीशन में हमारी डेटर पार्टी का नाम था अविनाश जी। तो जैसे इनका लेजर लगाते हैं तो 144 रुपया इनका बाकी आता है, तो 144 यहाँ डाल करके एंटर करेंगे तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है। यहाँ ये एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब ये पेमेंट हो गया। अगर आप दोबारा वही लेजर इंसर्ट करते हैं अविनाश वाला, तो यहाँ पे इनका बैलेंस 0 हो जाएगा, आपने पे कर दिया तो फिर बचा ही क्या। ठीक है।